हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो की थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। आज का वीडियो धमाल होने वाला है। धमाल क्यों होने वाला है आप लोगों को बता, ये वीडियो जो हमारा है ये क्लाइंट के लिए भी है और एज ए फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर के लिए भी है और जो साइट सुपरविजन करता है उनके लिए भी है। आज मैं पूरा ओवरव्यू आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। अगर आप घर बना आप अगर घर बनाने के बारे में सोच रहे हो या आप अपना घर बना रहे हो या कोई कॉन्ट्रेक्टर भी है, तो मतलब उनको किस बातों के लिए और किन किन बातों के लिए और किन किन बातों पर उसे ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेके आया आप लोगों के लिए सेटरिंग, और किस सेटरिंग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये है पार्किंग में जो फर्स्ट लेंटर जब हम डालते हैं तो उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली इसलिए मैंने लेके आया वीडियो क्योंकि इस टॉपिक पर पूरे यूट्यूब पे सेटरिंग के बारे में है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सेटरिंग के बारे में ड्रॉइंग नहीं है, सेटरिंग के बारे में कंप्लीट है, पर ये वीडियो जो आज मैं जो बताने वाला हूँ इस टॉपिक पर किसी का भी वीडियो नहीं है, किसी भाई ने भी अभी तक नहीं बताई। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग स्टार्ट मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले जब हम फुटिंग मार्किंग करते हैं तो किसके थ्रू से करते हैं, मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे हमारा फ्रंट साइड, हमारा जैसे सपोज मैं करता हूं कि हमारा ये है रोड है, रोड से बिल्डिंग को कितना ऊंचा करनी है, मतलब कि रोड लेवल से कितना हम उठाएंगे बिल्डिंग को, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले जैसे हमारा रोड लेवल है, ठीक है, एक्चुअली मेरे पास रोड का फिगर नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का कहने का मतलब ये क्या है हमारा कि जो हमारा फिगर है तो रोड लेवल से ड्रॉइंग में मेंशन क्या रहता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल तक, नेचुरल ग्राउंड लेवल से डेप्थ कितनी जानी है रहता है ना, वही नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो मैंने नेचुरल ग्राउंड मांगा, जैसे मैंने रोड को पकड़ लिया नेचुरल ग्राउंड, ठीक है, उससे हमें बिल्डिंग को सपोज मुझे 2 फीट उठानी है, सपोज मुझे 2 फीट मुझे ऊंचा उठानी है या 3 फीट हमें ऊंचा उठानी है, तो क्या करते हैं रोड पे एक लेवल लेते हैं, जो छोटे कंस्ट्रक्शन या 300 गज का हो गया या 500 गज का हो गया वो ऑटो लेवल वगैरह नहीं कराते हैं। जनरली वाटर लेवल पाइप की जो पाइप हमारा होता है वाटर लेवल की, उसके थ्रू से हम लेवल लगाते हैं, ठीक है, लेवल लगा। तो क्या करते हैं वहां पे एक मैं किसी मतलब कोई एक पॉइंट में पकड़ लेता जो ऊंचा पॉइंट हो, मतलब जो टॉप लेवल हो रोड की, मतलब जो जैसे कोई होता है ना कि कहीं डाउन है कि ऊंचा है, जो मेरा टॉप लेवल है उसको हम पकड़ लेते हैं और वहां से वाटर लेवल क्या करते हैं अपने कॉलम तक ले आते हैं। कॉलम नहीं, अगर आपके पड़ोसियों की दीवार, अगर आप कहने का मतलब ये है कि ये साइड से सबकी बिल्डिंग बनी हुई है, राइट, साइड के सबसे बिल्डिंग बनी हुई, तो आपको रेफरेंस मिल गया ये बिल्डिंग, वाटर लेवल जब आप लगाओगे मतलब इतना फीट जब ऊंचा लगाओगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है वॉल पे हमें मार्क करना पड़ता है, किसके, सीमेंट और पेस्ट की मार्क कर देते हैं ताकि वो लेवल हमें लेवल ट्रांसफर करने में भी सहायता करता है और एक्सकवेशन फुटिंग करने में सहायता करता है, फुटिंग कंक्रीट करने में सहायता करता है। इसलिए वाटर लेवल इज मस्ट साइट पे, सबसे पहले वाटर लेवल हम कराएंगे और वाटर लेवल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब मिस्टेक होने से क्या होगा, आपकी मिस्टेक होने से ये दिक्कत आ सकती है आपको, अगर आपने एक वाटर लेवल को लगाया और उस वाटर लेवल को आप देखो, एक तो मैंने लगा ली, एक जगह मुझे लगानी है, मैंने एक लगा लिया, ठीक है, अब समझ पा रहे हैं, ठीक है, उसी वाटर लेवल को हम क्या करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफर कर देंगे, उस लेवल को क्या करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम ट्रांसफर कर देंगे चारों तरफ से, और वो पॉइंट हमारा गलत नहीं होनी चाहिए, वो जो मार्क करते हैं ड्रॉइंग की सेंटर लाइन की हेल्प से करते हैं, ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन दिया रहता है तो ग्रिड टू ग्रिड लगाते हैं, फिर ग्रिड से हमारा कॉलम की सेंटर लाइन से लेफ्ट कितनी जा रही है राइट कितनी जा रही है उतना हम मार्क करते हैं, मेन इसमें ग्रिड लाइन होती है। ये हो गई सुपरवाइजर की बात, ये चीज आपको साइट पे करानी है, मतलब रोड लेवल पे कोई एक पॉइंट पकड़नी है, वहां से वाटर लेवल लेके आनी है, एक पॉइंट को हम लगा लेंगे वॉल पे, ठीक है, वॉल पे, कहां पे वॉल पे, ये चीज कहां से पता चलेगी, जहां पे आपकी कॉलम प्लेस होनी है, ठीक है, जहां कॉलम प्लेस होगा वहीं तो फुटिंग की साइज होगी, क्योंकि हम फुटिंग भी करते हैं तो कॉलम को सेंटर में रखते हैं, ठीक है, उसकी ग्रिड लाइन से हम फुटिंग को निकालते हैं लेंथ विड्थ, क्योंकि मैं
एस्टिमेशन क्लास इस यूट्यूब चैनल पे जो बिलिंग एंड एस्टिमेशन जो पार्ट मैंने जो चैनल का नाम रखा है इस पे एस्टिमेशन कंप्लीट 6 पार्ट डल चुकी है। तो अगर जिन भाई को बिल्डिंग की पूरी प्रोसेस अगर आपको जाननी है या इनके बारे में कैसे क्या होता है, पीसीसी की थिकनेस क्या रखा जाएगा, कंक्रीट क्या रखा जाएगा, तो उन भाई से गुजारिश है कि वो जाए हमारे चैनल चैनल को विजिट करे और फ्री में आप नॉलेज गेन करें। ठीक है, तो चलो हम आगे की टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अब हम करते हैं बात क्लाइंट की। क्लाइंट से ये सजेशन लेना, मतलब क्लाइंट को ये सोचनी है, क्योंकि जब मैं इस वाले पोर्शन पे आप जो देख रहे हो ओवरव्यू, जो वॉल है ये चारों तरफ वॉल है, राइट। अब क्या है कि पहले आपने एक्सकवेशन किया, खुदाई उदाई किया, उसमें मिट्टी डाल दिया, सब चीज कर दिया, कॉलम आपकी खड़ी हो गई, कॉलम आपने भराई भी कर दिया, सपोज कॉलम जितने हैं आपने कास्टिंग करके ऊपर तक ले लिया। ठीक है, ठीक है। अभी हर चीज डिटेल से बात करेंगे, दोनों के लिए वीडियो है, बने रहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये हमने क्या किया, कॉलम प्लेस कर दिया, सपोज मैंने कॉलम प्लेस कर दिया, राइट। प्लेस करने के बाद क्या होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइंट को ये सोचनी है कि सेटरिंग करने से पहले क्या हम फर्श पे पीसीसी करें अथवा ना करें, वो चीज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला एरिया जो होता है, जब एक्सकवेशन वगैरह होता है, पानी जब डलता है तो क्या होता है, वो वेट हो जाता है, मतलब ये पूरा सरफेस एरिया हमारा गीला हो जाता है। गीला होने से क्या होगा, जब आप सेटरिंग कराओगे फर्स्ट लेंटर के लिए, तो क्या होगा, जब उस पे ऊपर से जब लोड आएगी, मतलब छत पे जब रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब आरसीसी, मतलब आरसीसी किसको कहते हैं ये पहले समझ लेते हैं सुपरवाइजर के लिए। आरसीसी का मतलब होता है रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील यूज हो गया, कंक्रीट के अंदर अगर स्टील यूज कर लिए हम तो उसको रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहेंगे, राइट। अब कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखो जब रिइंफोर्स